वेलकम बैक टू द वीडियो। और इस वीडियो में बात कर लेंगे इंस्टाग्राम पर एक न्यू फीचर ऐड किया गया है जिसकी मदद से आप अपनी रील्स वीडियो को वायरल कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पर मैं सबसे पहले इंस्टाग्राम को ओपन कर लेता हूँ। आप यहाँ पर देखिए मैंने इंस्टाग्राम को ओपन कर लिया। जैसे आप इंस्टाग्राम को ओपन कर लेते हो, इंस्टाग्राम को ओपन करने के बाद जैसे आप यहाँ पर अपनी प्रोफाइल पर आते हो, प्रोफाइल पर आने के बाद यहाँ पर आपको मिलता है प्रोफेशनल डैशबोर्ड। यहाँ गए जैसे आप इस पर क्लिक करते हो प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर, उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। अब यहाँ पर आपको ये फीचर शो कर रहा होगा रील बेस्ट प्रैक्टिस। यहाँ गए अगर आपको अभी तक ये फीचर नहीं मिला तो आपको अपने इंस्टाग्राम ऐप को अपडेट लेना है। अपडेट करने के बाद ये आपको मिल जाएगा। अगर अपडेट करने के बाद भी नहीं मिलता है तो आपको वेट करना है। अभी इंस्टाग्राम ने हाल फिलहाल में ही इस फीचर को रोल आउट किया है तो आपको भी ये मिल जाएगा। बात कर लेते हैं कि आखिर ये फीचर है क्या, किस तरह से वर्क करता है, कैसे आप इसकी मदद से अपनी रील्स वीडियो को वायरल कर सकते हो एंड कैसे आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे। तो गाइस यहां पर मैं सबसे पहले इस फीचर पे क्लिक करता हूं या फिर इस ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। जैसे हम इस पे क्लिक कर देते हैं उसके बाद यहां पर हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। अब गाइस यहां पर आप देखिए ऊपर की तरफ यहां पर आपको चार ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहले यहां पर जनरल, दूसरा यहां पर क्रिएशन, तीसरा यहां पर एंगेजमेंट, चौथा है यहाँ पर ऑथेंटिसिटी। ठीक है, यानी कुल मिला के इंस्टाग्राम रील्स वायरल करने से लेकर फॉलोअर बढ़ाने तक सब राज इसमें छुपे हुए हैं। सब कुछ इंस्टाग्राम ने यहाँ पर आपको बता दिया है। यानी कि पहले क्या था, मतलब जिनके ज़्यादा फॉलोअर थे वही बंदे अपनी रील्स वीडियो को वायरल करा लेते थे या फिर उनको पता होता था एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वो अपनी रील्स वीडियो को वायरल कर लेते। लेकिन अभी के टाइम में अगर आप इसको अच्छे से समझ लोगे तो आप भी अपनी रील्स वीडियो को वायरल कर पाओगे। अब वो कैसे, यहाँ पर आप देखिए जनरल में यहाँ पर आपको क्या क्या मिलता है। यहाँ पर लिखा है गेट रेडी टू ग्रो विद रील। ठीक है, उसके ठीक नीचे यहाँ पर आपको तीन टिप्स दी जाती है। फिर यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं। अब गाइस सबसे पहले यहाँ पर लिखा है मेक क्रिएटिंग रील पार्ट ऑफ योर रूटीन, मैन्युफैक्चर गो इनटू ग्रोइंग फॉलोअर बट अकाउंट विद द ग्रेटेस्ट फॉलोअर ग्रोथ क्रिएट 10 और मोर रील पर मंथ ऑन एवरेज। यानी गाइस कुल मिला के इसका मतलब है कि अगर आपको इंस्टाग्राम पर ग्रो करना है फिर आपको इंस्टाग्राम पर अपने फॉलोअर इंक्रीज करने हैं। जैसा कि मतलब काफी बंदे बोलते हैं ना कि भाई हम इंस्टाग्राम पर रील्स वगैरह पर अपलोड करते हैं लेकिन फिर भी हमारे रील्स वायरल नहीं होते हैं, फिर फॉलोअर नहीं बढ़ते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर साफ साफ लिख दिया कि जो बंदा अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कम से कम एक महीने में यानी 30 दिनों के भीतर अगर वो 10 रील्स वीडियो को अपलोड करता है तो भाई उसके फॉलोअर मतलब बढ़ेंगे, साथ ही उसकी रील्स भी वायरल होगी। ठीक है, मतलब उसके अकाउंट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं पर मतलब जो बंदे ऐसे हैं जो मतलब डेली रील्स वीडियो को अपलोड करते हैं उनके भाई और भी ज्यादा तेजी से फॉलोअर बढ़ेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पर आपको 10 ही रील्स वीडियो अपलोड करनी है एक महीने में, मतलब ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। आप यहाँ पर जितनी चाहो उतनी रील्स वीडियो को अपलोड कर सकते हो, बट यहाँ पर शर्त यह है कि यहाँ पर आपको 10 से कम रील्स वीडियो को अपलोड नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो भाई आपके अकाउंट की रील्स तो डाउन होगी, साथ ही आपके फॉलोअर भी ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि आपकी रील्स वायरल होगी नहीं एंड लोग आपको फॉलो करेंगे नहीं एंड जिन लोगों ने आपको फॉलो कर रखा होगा ना वो भी आपको अनफॉलो करना स्टार्ट कर देने जिस वजह से आपको आपके फॉलोअर ड्रॉप होते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद यहां पर लिखा है फोकस ऑन डीपर एंगेजमेंट लाइक कमेंट एंड रीशेयर पर व्यूअर हेल्प रील गेट शो टू ए लार्जर ऑडियंस। यानी कुल मिला के इन्होंने यहां पर ये लिखा है अगर आपको मतलब ज्यादा ऑडियंस चाहिए तो यहां पर आपकी रील्स वीडियो पर एंगेजमेंट आना ही चाहिए। एंगेजमेंट क्या होता है, यानी अगर आपकी रील्स वीडियो पर लाइक ज्यादा आएंगे, कमेंट ज्यादा आएंगे, साथ ही मतलब उसको काफी बंदे रीशेयर करेंगे यानी बार बार उसको शेयर करेंगे तो आपकी रील्स वीडियो पर ज्यादा एंगेजमेंट आएगा जिसकी वजह से आपकी वो रील्स वीडियो वायरल होगी एंड काफी लोगों को वो दिखाई जाएगी एंड आपके फॉलोअर भी बढ़ेंगे यानी लोग आपको फॉलो भी करते हैं। उसके बाद यहां पर लिखा है बी एज रिलेटेबल एज पॉसिबल। यानी कुल मिलाकर भाई इसका मतलब है कि आपको रिलेटेबल कंटेंट बनाना है, यानी आपको मतलब कुछ इस तरह का कंटेंट बनाना है जिससे लोग रिलेट करें। ठीक है, जैसे कि मतलब रियल लाइफ में होता है ना, लोग मतलब जो भी उनकी रियल लाइफ में हो रहा होता है आपको मतलब कुछ वैसा ही करना है। अगर आप मतलब कुछ वैसा ही करोगे तो लोग उसको रिलेट करेंगे, साथ ही वो अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर भी करेंगे जिससे आपके रील्स पर ज्यादा एंगेजमेंट आएगा एंड लोग आपको फॉलो करेंगे। आपके साथ मतलब उनका एक कनेक्शन बन जाएगा, वो आपको जानने पहचानने लग जाएंगे। ठीक है, जिससे आपको मतलब अच्छा खासा फैन भी मिलेगा। ठीक है, तो आपको मतलब चीज पर ध्यान देना है, आपको मतलब रिलेटेबल कंटेंट बनाना है। फिर उसके बाद यहां पर आपको ऊपर की तरफ दूसरे नंबर पर मिलता है क्रिएशन। अब जैसे आप इस पर क्लिक करते हो उसके बाद यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर लिखा है क्रिएट कंटेंट दैट क्लिक विद पीपल। फिर उसके बाद है यहाँ पर मेक योर फर्स्ट 3 सेकंड कोंट शेयर समथिंग फनी रिलेटेबल। यानी कुल मिला के यहाँ पर आपको शुरू के 3 सेकंड में अगर आप रील्स वीडियो बना रहे हो, चाहे वो शॉर्ट्स वीडियो हो या फिर रील्स वीडियो हो, ठीक है, अगर आप इंस्टाग्राम पर रील्स वीडियो बना रहे हो यहाँ पर जो है ना भाई इसकी 3 सेकंड जो स्टार्टिंग की होती है, शुरुआत की होती है, वो बहुत ज्यादा जो है ना भाई मैन होती है। ठीक है, यानी कुल मिला के आपको शुरू के 3 सेकंड में अपनी रील्स वीडियो के अंदर कुछ तो ऐसा करना है जिससे लोग आपकी रील्स वीडियो पर रुक जाए, क्योंकि अगर वो 3 सेकंड रुक गए ना फिर वो आपकी रील्स वीडियो को पूरा देख कर जाएंगे। आपने मतलब काफी बंदों को देखा होगा कि मतलब आजकल जो है ना मतलब शुरू में मतलब कोई भी बंदा हुक्का यूज करता है। ठीक है, मतलब काफी बंदे हुक्का यूज करते हैं, इसकी वजह से उनकी रील्स वीडियो पर मिलियंस में व्यूज आते हैं। तो आपको मतलब स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ मतलब भाई हुक लगाना है। ठीक है, मतलब कुछ तो आपको ऐसे ऐड करना है जिससे लोग आपकी रील्स वीडियो पर रुक जाए। फिर उसके बाद यहां पर चेक योर टाइमिंग रील दैट आर 30-60 सेकंड लॉन्ग गेट बेटर एंगेजमेंट एंड आर शो टू मोर ऑडियंस। यानी कुल मिलाकर अगर आप मतलब 30 सेकंड से लेके 60 सेकंड के बीच में कोई रील्स वीडियो बनाते हो तो उस पर भाई ज्यादा व्यूज आएंगे। ठीक है, जैसे कि 20
30 मिलियन आ सकते हैं, 40 मिलियन, 50 मिलियन, इस तरह से आपके व्यूज आएंगे। वैसे तो मतलब अगर आपकी कम सेकंड की वीडियो है तो वो भी आपकी वायरल हो ही जाती है, लेकिन अगर आप मतलब कुछ एजुकेशनल टाइप कंटेंट बनाते हो या फिर आप मतलब टेक टाइप कंटेंट बनाते हो, ठीक है, मतलब कुछ इस तरह कंटेंट बनाते हो, तो यहाँ पर अगर आप 30-60 सेकंड के बीच में मतलब वीडियो बनाते हो तो वो भी आपकी वायरल होगी, ऐसा इंस्टाग्राम का कहना है। ठीक है, वैसे मेरे हिसाब से आप मतलब 30 सेकंड की बनाओ या फिर 15 सेकंड की बनाओ, अगर आपने स्टार्टिंग में 3 सेकंड के अंदर मतलब कुछ ऐसा कर दिया जिससे लोग आपकी रील्स वीडियो पर रुक जाए तो वो आपकी रील्स वीडियो वायरल हो ही जाती है। ये भी आप समझिए। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने हैशटैग को लेकर बात की है, ओनली यूज रिलेवेंट हैशटैग, ट्रेंडिंग हैशटैग दैट आर रिलेवेंट टू द टॉपिक्स इन योर रील हेल्प यू रीच मोर पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन दोज स्पेसिफिक टॉपिक। यानी कुल मिलाकर इसका मतलब है कि जब कभी भी आप इंस्टाग्राम पर रील्स वीडियो को अपलोड करने के लिए जाते हो सबसे ऊपर की तरफ तो कैप्शन लिखते हो, ठीक है, फिर उसके बाद जैसे आप मतलब थोड़ा बहुत स्पेस देते हो, स्पेस देने के बाद आप लगाते हो हैशटैग। काफी बंदे मिस्टेक ये करते हैं, वो मतलब उल्टे सीधे हैशटैग लगाते हैं अपनी रील्स वीडियो में, ठीक है, जिसकी वजह से उनका रील्स वायरल नहीं होता है। तो आपको करना क्या है, आपको हमेशा अपनी रील्स वीडियो के रिलेटेड ही हैशटैग लगाने हैं, ठीक है, यानी जिस भी टॉपिक पर आपने बात की है अपनी रील्स वीडियो में उसी से रिलेटेड आपको हैशटैग भी लगाने हैं। ये भी आप सुनिए। उसके बाद यहां पर आपको मिलता है एंगेजमेंट। अब जैसे आप इंगेजमेंट में क्लिक कर दोगे, अब गाइस इंगेजमेंट में इन्होंने यहाँ पर बताया इंगेज इन कन्वर्सेशन टू कीप अप द मोमेंटम, ठीक है, उसके ठीक नीचे यहाँ पर लिखा है रिप्लाई टू कमेंट विद इन 7 डेज। यानी कुल मिला के जब कभी भी आप अपनी रील्स वीडियो को अपलोड कर देते हो, काफी बंदे करते हैं कि वो रील्स वीडियो को अपलोड करने के तुरंत बाद मतलब कुछ घंटों का वेट करते हैं, फिर शाम तक वेट करते हैं, वो सुबह तक डिलीट कर देते हैं रील्स वीडियो को, ठीक है, यानी कि एक दिन उन बीतता भी नहीं है। जबकि इंस्टाग्राम ने यहाँ पर साफ साफ लिख दिया है कि यहाँ पर आपको 7 दिनों तक, ठीक है, यानी कि 7 दिनों तक आपकी रील्स वीडियो अच्छा खासा वायरल होती है, यानी कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम आपकी उस रील्स वीडियो को काफी लोगों के पास सेंड करता ही रहता है, भेजता ही रहता है, यानी कि दिखाता ही रहता है लोगों को, ठीक है। तो आपको करना क्या है, मतलब जितने भी नए व्यूअर्स आते रहते हैं या फिर आपके पुराने व्यूअर्स हो या फिर नए व्यूअर्स हो, जितने भी आपके फॉलोअर्स वगैरह आते हैं जो मतलब कमेंट करते हैं, आपको सभी के कमेंट का रिप्लाई करना है, ठीक है, साथ ही उनको हार्ट वगैरह देना है, फिर कमेंट का रिप्लाई करना है, उनसे कनेक्शन बना के रखना है। अगर आप ऐसा करते हो भाई, इससे आपका अकाउंट बहुत ज्यादा फास्ट ग्रो होगा, जिसकी वजह से आपके फॉलोअर वगैरह भी बढ़ेंगे, साथ ही आपकी बाकी सभी रील्स वीडियो भी वायरल होगी, ठीक है। ये भी आप समझिए। उसके बाद यहां पर आपको मिलता है ऑथेंटिसिटी। अब जैसे आप इस पर क्लिक कर दो, उसके बाद यहां पर आप देखिए लीड विद ऑटोमेटिकली टू अवॉइड लिमिटिंग योर रीच, ठीक है। अब गाइस इसके ठीक नीचे यहां पर आपको चार चीजें बताई गई। सबसे पहले यहां पर शेयरिंग रील विद ए वाटरमार्क। कुल मिलाकर अगर आप मतलब किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से जैसे कि YouTube शॉर्ट्स हो गया, अगर YouTube शॉर्ट्स का वाटरमार्क आ रहा है आपकी उस वीडियो में, वही ऐसे में Instagram आपकी उस वीडियो को ज्यादा लोगों को नहीं दिखाएगा, जो आपके फॉलोअर्स होंगे उनको भी मतलब थोड़े बहुत को ही दिखाएगा, ठीक है। वहीं पर काफी बंदे मतलब ऐसा भी करते हैं, वो जो ना मतलब मोज एप्लीकेशन से मतलब काफी सारी ऐसी एप्लीकेशन है जो शॉर्ट्स एप्लीकेशन है जिसमें मतलब काफी बंदे रील्स वगैरह अपलोड करते हैं, वहीं से मतलब उसको डाउनलोड करके एंड अगर Instagram पे डालते हैं, साथ ही उस एप्लीकेशन का अगर वाटरमार्क होगा भाई, ऐसे में आपकी उस रील्स वीडियो की रीच को Instagram डाउन कर देगा या फिर टेक डाउन कर देगा उस रील्स वीडियो को, उस पर ज्यादा व्यूज नहीं आएंगे, ठीक है। ये भी आप समझिए। उसके बाद यहां पर है एंगेजमेंट बैड रील नोट फोकस ऑन ऑथेंटिक एंगेजमेंट वोंट बी सो टू एज मैनी पीपल। यानी कुल मिला के ये मतलब यहाँ पर ऐसा बोला है, काफी बंदे मतलब जो ना फोर्स करते हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स के लिए या फिर लाइक के लिए, यानी कि लाइक एंड शेयर एंड फॉलो करने के लिए लोगों को नहीं बोलना है, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो लोग मतलब लाइक या फिर शेयर कैसे करेंगे, ठीक है, ये तो मतलब हमें करना ही पड़ेगा, ठीक है, मतलब ये चीज तो आप कर सकते हो, लेकिन आपको मतलब किसी को फोर्स नहीं करना है कि भाई आप तू कर ही कर। यानी इंस्टाग्राम का मतलब साफ साफ ये कहना है कि आपको मतलब किसी को फोर्स नहीं करना है, यानी कि जबरदस्ती किसी से भी लाइक एंड फॉलो नहीं करवाना है भाई, जबरदस्ती कौन कर देगा, जबरदस्ती तो कोई भी नहीं करेगा ना। उसके बाद यहाँ पर लिखा है टेकिंग क्रेडिट फॉर कंटेंट दैट्स नॉट योर। यानी कुल मिलाकर इसका मतलब यह है कि अगर आप मतलब Instagram से कोई भी रील्स वीडियो उठा के दोबारा से Instagram पर अपलोड करते हो, अपने अकाउंट पर अपलोड करते हो, ऐसे में भाई इससे आपके अकाउंट पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा या फिर मतलब आपका अकाउंट या फिर आपके अकाउंट के लिए ये सब करना सही नहीं है, ठीक है। आपको मतलब ऐसा कुछ नहीं करना है, अगर आप ऐसा करते हो एक तो आपकी रील्स वीडियो की रीच डाउन हो जाएगी या फिर आपका अकाउंट फ्रीज भी कर सकता है Instagram, ठीक है। तो आपको ऐसी हरकतें नहीं करनी है, जो Instagram पर ऑलरेडी रील्स वीडियो अपलोड हो चुकी है आपको उसको अपलोड नहीं करना है। अगर आप चाहो रिमिक्स कर सकते हो या फिर Instagram पर एक और फीचर है ड्यूट का, आप उसका यूज करके मतलब किसी की भी वीडियो को कॉपी कर सकते हो, डायरेक्टली अपने अकाउंट पर अपलोड कर सकते हो, लेकिन आपको डायरेक्टली उठा के डाउनलोड करके अपने अकाउंट पर अपलोड नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है वायलेटिंग Instagram गाइडलाइंस शेयरिंग कंटेंट दैट गोज अगेंस्ट ओवर रिकमेंडेशन गाइडलाइंस और कम्युनिटी गाइडलाइंस माई रिजल्ट इन डिलीटेड कंटेंट। यानी कुल मिला के इसका मतलब है कि आपको Instagram पर कोई भी रील्स वगैरह ऐसी अपलोड नहीं करनी है जो Instagram की गाइडलाइंस को फॉलो ना करती हो, ठीक है। आपको मतलब Instagram की गाइडलाइंस को मतलब अच्छी तरह से पढ़ लेना है, यानी कि आपको Instagram की गाइडलाइंस को ब्रेक नहीं करना है, कोई भी आपका ऐसा काम नहीं करना है जिससे लोगों को नुकसान पहुंचता हो, ठीक है। यानी कुछ भी अगर आप ऐसा करते हो तो भाई ऐसे में Instagram आपकी उस रील्स वीडियो घटा देगा, साथ ही आपके अकाउंट पर स्ट्राइक वगैरह भी आ जाएगी, ठीक है। अब गाइस Instagram के इस नए फीचर में जो भी सब चीजें थी सब कुछ मैंने आपको वीडियो में सिंपल तरीके से समझाया भाई, कैसे आपको क्या करना है, कैसे आप इसकी मदद से अपने रील्स वीडियो को वायरल कर सकते हो, कैसे आप इसकी मदद से अपने फॉलोअर्स को बढ़ा सकते हो, कैसे आप अपने फ्रीज हुए अकाउंट को अनफ्रीज कर सकते हो, सब कुछ इसमें लिखा था, सब कुछ मैंने आपको वीडियो में सिंपल तरीके से समझाया। और अगर आपका अब भी कोई डाउट है तो आप इस वीडियो पर कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए आज वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।